अब मैं एक बार इसको डिक्लाइन करता हूँ। तो ये तो कंफर्ट है, मैं ही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कंफर्ट है, बट अगर मैं 200-250 किलोमीटर के हिसाब से मैं अगर सोचूं तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं शुएब स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक्स मोर में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं अभी रमजान चले, तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से रमजान की ढेर सारी बधाइयां। अब आप हम जैसे देख सकते हैं कि वीडियो में आज जो हम लोग वीडियो कवर कर रहे हैं वो काफ़ी प्रीमियम रेंज की मॉडल है, टाटा की स्टारबस प्राइम 42+D एसी वेरिएंट, जो कि प्लेटफॉर्म में है, 11.6 के प्लेटफॉर्म में बनी हुई गाड़ी है। तो काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है, देखने से भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगती है। अगर मैं इसके ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन की बात करूँ तो ये 60-40 में आपका स्प्लिट इसमें रेशियो दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बड़ी लार्ज विंडशील्ड है, साथ में बड़ा खूबसूरत यहाँ पर आपको जो सेट रहता है लाइट का वो मिल जाता है, जिसमें आपको हेलोजन आपको यहाँ पर हेडलाइट मिल जाती है, साथ में टर्न इंडिकेटर है और यहाँ पर आपको एलईडी लाइट मिल जाती है। वही इसके नीचे में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर फॉग लाइट भी दी हुई है, साथ में यहाँ पर अगर मैं बैचिंग की बात करूँ तो मार्को पोलो की बैचिंग है, टाटा को लोगो दिया हुआ है। ये एक अपना डिज़ाइन जो है टाटा का, टाटा ट्रस बार, जो कि अपनी सभी गाड़ियों में यहाँ पर मिलता है। तो काफ़ी ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा लुक इसमें आता है गाड़ी में। काफ़ी लंबी बस है, अगर आप मैग्ना के बाद अगर टाटा की देखें तो ये सेकंड सबसे लंबी बस है, टाटा की स्टारबस प्राइम 42। अब ये बस की मैं कुल लंबाई की बात करूँ तो 10,440 mm है, जो कि रफली तकरीबन 34 फीट के आसपास है। वही मैं अगर इसकी व्हील बेस की बात करूं, फ्रंट सेंटर पॉइंट से लेके बैक टायर का सेंटर पॉइंट तक, तो ये 5400 mm है, जो तकरीबन आपका 17.5 फीट के आसपास की लंबाई है। अगर मैं इसमें एक चीज स्पेसिफिक बोलूं तो ये अपनी कैटेगरी में हाईएस्ट व्हील बेस प्रोवाइड करता है, जो कि लीड्स टू आपका बेटर सेफ्टी, बेटर कम्फर्ट राइड, मैं बोलूँ बेटर कम्फर्ट राइड आपको प्रोवाइड करता है। वही इस टायर की मैं बात करूँ तो टायर प्रोफाइल भी काफी पॉपुलर टायर प्रोफाइल है, 235/75 R17.5 का ये टायर है, जो कि तकरीबन फीट में मैं बात करूं तो ये इंच में बात करूं तो 31.5 इंच के आसपास का ये है, क्योंकि इसमें 17.5 इंच का आपको रिम प्रोवाइड किया जा रहा। वही कंफर्ट की मैं बात करूं तो कंफर्ट राइड के देने के बजाय टाटा ने इसमें यहाँ पर पैराबोलिक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया है आगे और पीछे दोनों तरफ, तो काफी आपको अच्छी कम्फर्ट मिलने जा रही है राइड्स में। फ्यूल टैंक की मैं बात करूँ तो फ्यूल टैंक इसमें काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक है, गाड़ी के हिसाब से ये 160 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। वही मैं इसमें अगर देखूँ तो ये काफ़ी अच्छी लार्ज विंडोज़ यहाँ पर दी हुई है, तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलने जा रहा है इस बस से। और अगर आप देखेंगे तो टाटा में ही ये चीज़ मौजूद है, जो कि स्पेसिफिक टाटा में आती है, कि जो भी फिक्स क्लास गाड़ियाँ हैं टाटा की एसी वर्ड, यहाँ पर आपको इस वेरियंट में आपको यहाँ पर छोटे छोटे विंडोज़ मिल जाते हैं। ये बेसिकली आपको काम आते हैं, आप अगर विंटर्स में गाड़ी चल रही है या फिर कभी आपका एसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये आपको तकरीबन आप इसको ओपन करके, ताकि गैस जनरेट ना हो या फिर गैस बस कहीं खड़ी भी रहती है गर्मी में, तो ये पूरा पैक शीशा रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी ग्लास फटने की भी कंप्लेन आती है। तो ये क्या होगा कि अगर इसको आप थोड़ा सा ओपन करके छोड़ देंगे तो आपका गर्मी में भी वो काम करेगा कि आपको गैस अंदर बनेगी नहीं, तो जिससे आपका एक और समझिए कि एक एडिशनल सेफ्टी फीचर्स में दिया हुआ है। बैक प्रोफाइल की भी मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगता है देखने में बैक प्रोफाइल में भी, यहाँ पर आपको टाटा की बैचिंग मिल जाती है, मार्को पोलो की बैचिंग मौजूद है, साथ में यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर मौजूद है, तो बैक करने में भी ड्राइवर को काफ़ी सहूलियत मिलती है। वही मैं टेल लाइट के डिज़ाइन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा टेल लाइट डिज़ाइन है यहाँ पर, एलईडी में मौजूद है, तो काफी अच्छा लगता है एक ओवरऑल लुक देखने में। पैसेंजर साइड में काफी अच्छा ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा अल्ट्रा की ग्राफिक्स मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा देखने में लगता है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे ये होल दिया हुआ है, इससे आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपना स्पेयर टायर को, तो यहाँ पर से मौजूद। साथ में बॉडी में भी काफी हर जगह आपको देखेंगे कि लाइट्स दी हुई है, एक तरह का सेफ्टी पर्पस भी है और इंडिकेटर है, जैसे गाड़ी टर्न लेती है तो एक काफी अच्छा काम आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एलपीयू वर्जन है, तो यहाँ पर जो जो डोर दिया हुआ है वो आपको फ्रंट टायर के आगे दिया हुआ है, इसलिए एलपीयू वर्जन है, तो ये काफी अच्छा प्रीमियम लुक भी देता है। साथ में यहाँ पर ड्राइवर के काफी कंट्रोल भी चीजें रहती है, तो ड्राइवर वहीं से ऑपरेट कर सकता है इस डोर को,
और पैसेंजर को इन एंड आउट करने में भी कोई तरह की दिक्कत नहीं आती। चलिए एक बार बस के अंदर चलते हैं और एक बार अंदर से इसका रिव्यू करते हैं। तो बस का अंदर का लुक भी काफी खूबसूरत है और प्रीमियम है। देखने से ही लगती है कि आपकी काफी प्रीमियम बस है। सीट का कलरिंग कॉम्बिनेशन, बस का अंदर का इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल हेडरैक नहीं है, तो ये मॉड्यूलर हेडलैक्स है, मॉड्यूलर हेडरैक है सारे, और सब में यहाँ पर आपकी लाइटिंग है। ये भी मैं आपको ऑन करके भी एक बार मैं कोशिश करूंगा आपको मैं दिखाने के, काफी अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं। साथ में यहाँ पर आप वेंट देखेंगे, एसी वेंट्स, एसी वेंट्स आपका लगभग में हर सीट के ऊपर प्रोवाइड किया गया है ताकि एसी का जो कंफर्ट है वो मिलते रहे, हर पैसेंजर को इक्वली मिले। साथ में यहाँ पर एक रूफ रेल मौजूद है, तो पैसेंजर को जैसे इन एंड आउट करना है तो ये एक सेफ्टी पर्सन इसको ग्रैब कर सकते हैं, या फिर एक हैंडल बार भी दी हुई है सारी। तो काफी अच्छा ऑल एंड ऑल इंटीरियर मुझे लगा ये। अब आ जाते हैं सीट्स के ऊपर, तो ये ऐसे पहले सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से देख लेते हैं। तो सीटिंग कैपेसिटी इसकी 42+D है, और ये ध्यान रखिए कि ये सेमी पुश बैक है, ये कंप्लीट पुश बैक गाड़ी नहीं है, ये सेमी पुश बैक गाड़ियां हैं। तो इसकी सीट्स जो होती है वो सेमी पुश बैक होती है। यहाँ पर हैंडल्स दी हुई है, ये हैंडल्स देखिए, ये हो गया इसका स्टैंडिंग पोजीशन हो गया। साथ में अगर इसको हल्का से करेंगे तो ये इस तरीके से रिक्लाइन हो जाती है। एक भी मैं इसमें बैठ के एक बार दिखाता हूँ, तो सबसे पहले एक बार स्टैंडिंग पोजीशन में देखता हूँ मैं, ये हो गया इसके स्टैंडिंग पोजीशन। मैं चाहूंगा कि एक बार यहाँ पर आए तो एक बार अच्छा इसका व्यू मिलेगा कि कितना अच्छा रिक्लाइन इसकी गाड़ी हो रही है सीट्स में। अब मैं एक बार इसको रिक्लाइन करता हूँ तो ये तो कंफर्ट है, मैं ही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कंफर्ट है, बट अगर मैं 200-250 किलोमीटर के हिसाब से मैं अगर सोचूं तो इनफ है, कंफर्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं सीट की चौड़ाई की भी बात करूं तो काफी अच्छी सीट की चौड़ाई मिली हुई है, इसमें भी कहीं कोई मुझे कंप्लेन मिली नहीं। अब अगर मैं सीट के पीछे देखूं, तो सीट के पीछे क्या मिल रहा है एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। तो एक ग्रैब हैंडल मिल जा रहा है, एक बार उसको मैं हटा के देखता हूँ। हाँ, एक ग्रैब हैंडल है, बॉटल होल्डर है, मैगजीन होल्डर है, तो ये सब चीजें प्रोवाइड की जा रही है, तो सीट के हिसाब से ठीक है ये। एक चीज और मैं आपको नोटिफाई करना चाहूंगा, दोनों तरफ दो दो सीट का यहाँ पर लेआउट है। साथ में अगर मैं नॉर्मली अगर मैं इसमें वॉक करता हूं तो आप देखेंगे मैं अपने हाथ डाउन करके भी काफी अच्छा से इसमें वॉक कर पा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा गैंगवे स्पेस जो इस बस का है वो भी काफी अच्छा दिया हुआ है। चलिए एक बार बस के ड्राइवर सीट में बैठ के देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की है, ये टाटा जो प्रोवाइड करता है ड्राइवर सस्पेंडेड सीट्स, ये यकीन मानिए काफी कंफर्टेबल है। अगर हम लोग अपनी कार भी राइड करते हैं ना, ये उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये क्या करता है, जो भी वेट है वेट के अनुसार ये अपना हाइट को एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर नॉब है, नॉब दिया हुआ है, तो नॉब को मैं इसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है लास्ट वीडियो में, अगर आप चाहें तो वहां जाके भी सस्पेंडेड सीट के बारे में डिटेल में जान सकते हैं कैसे ऑपरेट करता है, बट ये कंफर्टेबल काफी है। साथ में वही है टिल्ट आपका स्टेयरिंग है, यहाँ पर आपका ऊपर नीचे इसको आराम से कर सकता है ड्राइवर अपने अनुसार। काफी अच्छा इंफॉर्मेटिव क्लस्टर जिसका मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है। इंजन की बात करो तो 3.3 लीटर का इंजन मिला हुआ है, और ये एसी वेरिएंट है जिसमें आपको 160 हॉर्स पावर मिल रहा है, अच्छा पावरफुल इंजन दिया हुआ है। वही मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो ये 4 साल 4 लाख किलोमीटर की वारंटी इसमें मिल रही है, जो कि अपनी कैटेगरी में काफी अच्छा है। और वही मैं इसकी प्राइसिंग में आ जाते हैं, तो प्राइसिंग में अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी के प्राइसिंग है एसी वेरिएंट में 30,35,000 के आसपास के एक शोरूम में ये गाड़ी अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दिस इज श्वेब शाइनिंग ऑफ, कीप सेफ, जय हिंद।